और बाबू भी पहुंच गया गंगा घाट के पास, लेकिन अभी नींद में है। सभी लगवा रहे हैं अपने दिमाग का चिंतन। हम भी नहा करके हो गए हैं तैयार और अब जो है निकलने की कर रहे हैं तैयारी। तो यहाँ पर जी सभी लोग तैयार हैं और बारी है विदा होने की। अच्छा, नानी की तरफ से कुछ मिल गया उपहार? बाय-बाय कर दो बेटा। आजकल जी अपने इंडिया में हर कोई IIT और IIM जाना चाहता है, क्योंकि अच्छी जॉब और सैलरी किसे नहीं चाहिए। एक IIT और IIM ग्रेजुएट को कॉलेज के बाद एटलीस्ट एक अच्छा जॉब ऑफर तो जरूर होता है। पर यह अपॉर्चुनिटी जी आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि आपका करियर आपका स्किल डिफाइन करता है, ना कि आपकी डिग्री। थैंक्स टू रीलेवल वे अनअकैडमी जो इंडिया की टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट देते हैं प्योरली आपके स्किल के बेसिस पर। रीलेवल ने अभी तक 1000 प्लस जॉब्स ऑफर रोल्ड आउट की है, वो भी मात्र एक साल के अंदर। और अभी तक रीलेवल के प्लेटफॉर्म के जरिए 60 करोड़ के वर्थ के जॉब डिलीवर हो चुके हैं। आप बस एक टेस्ट दूर है अपने ड्रीम जॉब पाने से। यहाँ पर सेल्स, टेक, HR, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे 11 कैटेगरीज में जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जी देरी किस बात की, जल्दी से जाइए टेस्ट के लिए अपना स्लॉट बुक कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, चाहे आप फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल, सभी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो जी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जाना है कोर्सेज के सेक्शन में, कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिर जो है आपको एक एकेडमी काउंसलर अलॉट कर दिया जाता है, जिससे आपको कोर्सेज के बारे में डिटेल मिलते हैं। फिर जो है आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, ऑफर लेटर पाने के बाद आपको फीस को पे कर देना है, और फीस पे करने के बाद अपने करियर की जर्नी स्टार्ट करना है। जैसे कि आप आर्यन कुमार मौर्य की जर्नी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद कोडिंग की जॉब लेना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन रीलेवल के बैकएंड कोर्स के जरिए आज वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है इंट्यूजन कंपनी में। तो जी जल्दी से जाइए कोर्सेज के लिए अप्लाई करिए, लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। 800 प्लस कंपनी आपके लिए इंतजार कर रही है। और बाबू भी पहुंच गया गंगा घाट के पास, लेकिन अभी नींद में है, तो उससे अच्छा है कि अभी नींद में है। प्रणाम कर रहा है। ओहो, हाथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पर अब जी बारिश भी होने लगी है, तो कोई शेड ढूंढ रहे हैं, तो शेड में चले जाएंगे। बाबू को कोई ना कोई पकड़ लेंगे वहाँ पर, क्योंकि बारिश में रहना सही रहेगा उसके लिए। चीज बड़ा अच्छा लगा जी, यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ पर शेड दिया हुआ है, बारिश और धूप से आपको राहत मिल सकता है यहाँ पर। फाइनली जी बारिश छूट गई है, और अब सीधा हम लोग निकलते हैं वहाँ नहाने के लिए, और स्नान करके सीधा निकलेंगे, क्या पता फिर से बारिश वरना फंस जाए। तो जी हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिया के आने का, और पीछे हो रहा है शंखनाद, तो एक माहौल अलग ही है कि यहाँ पर एक पूरा भक्तिमय माहौल है। और बाबू को जो है थोड़ी भूख लग गई है, तो बाबू को जो है फीड करवाया जा रहा है, तो बाबू जब फीड कर लेगा तो वैसे एक लोग यहाँ पर रुकेंगे, एक लोग जो है बाबू को लेकर के रखेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद निकलेंगे, क्या पता कब बारिश आ जाए और क्या माहौल हो जाए। तो एक लोग यहाँ पर सामान देखेंगे, फिर बाकी सब लोग नहा करके आएंगे, फिर वो लोग वहाँ पर जाएगा, तो ऐसे ही बारी बारी से सभी कुछ होगा। तो जी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और यहाँ पर हमें जो है अपने YouTube चैनल के कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम हुआ आपका? जुगनू कुमार। जुगनू जी, आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, लक्ष्मी कुमारी जी। आपका? पूजा जी। काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और ये लोग जो है वहाँ पर रुके हुए थे और कई देर से देख रहे थे, कन्फर्म कर रहे थे क्या कि दिया साफ सुथरा है कि नहीं? हम देख रहे थे। अच्छा, चलिए जी फाइनली मिल गए हम लोग। तो कब से देख रहे हैं वीडियो आप लोग? बहुत दिन से। बहुत दिनों से, टिकटॉक के समय से कि यूट्यूब के समय? हाँ, टिकटॉक, टिकटॉक के समय से। चलिए अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और कुछ भी वो व्रत व्रत भी करना होता है तो इनको देख के करते हैं। अच्छा। जैसे बस सावित्री वगैरह में कुछ भूल जाए तो माफी का वीडियो सर्च कर लेते। चलिए जी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो हम लोग आ गए हैं जी गंगा घाट के पास, और सभी लोग गंगा स्नान शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है अच्छे खासे लोग सब आए हुए हैं, कुछ कुछ बच्चे सब हैं जो आसपास तैर रहे हैं, तो उनका पैर का जो छींटा है हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि शरारती बच्चे हैं। कोई बात नहीं, शरारत अच्छा लगता है। A few moments later. हो गया जी सभी का गंगा स्नान, और अपना जो है गंगा स्नान करके ड्रेस भी चेंज कर लिए हैं, गंगा जल भी भर लिया जी हमने, और अब बारी है यहाँ से निकलने की। और बाबू पूरे घाट में मजे से सोया है। ओ भाई साहब, ये देख सकते हैं एकदम मजे में सोया हुआ है यार। गंगा घाट से तो निकल गए जी, और अब यहाँ पर जिया की खरीदारी चल रही है बाबू के लिए। हम लोग बैठ गए जी रिक्शा में, यहाँ से जा रहे हैं जो हमारे पार्किंग में जो गाड़ी लगी हुई है वहाँ पर जा करके गाड़ी लेना है। बाबू वहाँ मजे में जो है बैठ गया है, कुछ देर पहले तक यहाँ पे रो रहा था, लेकिन अब इसका रोना खत्म और एंजॉयमेंट शुरू। सुल्तानगंज से जी हम लोग आ गए हैं भागलपुर, और भागलपुर में अभी हम लोग जा रहे हैं भूरानाथ मंदिर। वहाँ पर जो है स्पेशली दो लोगों को पूजा करना है, एक है रिया और एक है नन्ही बुआ, उनका सोमवारी का व्रत है, तो यहीं पर जल चढ़ेंगे वो सब।
बाबू पहन रहे माला माला तो यह है जी भागलपुर का प्रसिद्ध भोलानाथ मंदिर और यहाँ कर तो बहुत ही मजा आ रहा है जी, पूरा भक्ति से लग रहा है, एकदम भरपूर है माहौल एकदम। सभी लगवा रहे हैं जी अपने लाख का चंदन, जिया तो अपना लगवा चुके हैं, अब बारी है रिया की, फिर उसके बाद बुआ जी की। आपको भी लगवाना है? हाँ लगवा लेंगे, लगवा ही रहा है, अभी लगवा लेंगे, हम भी लगवा लेते हैं। यहाँ पर भी हो गया मंदिर दर्शन और यहाँ पर हो गई पूजा पाठ, इसके बाद अब सीधा चलते हैं रूम पर, बाकी सभी का इंतजार कर रहे हैं, चले। The next day. तो जी कल हम लोग आगे सुल्तानगंज से और भोलानाथ मंदिर में भी बाबा के दर्शन हो गए और पूजा पाठ करने के बाद जो है हम लोग रात में आ गए थे और उस समय जो है कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया और फिर आज जो है हम लोगों को अब निकलना है कटिहार और कटिहार जाने से पहले जिस काम के लिए आए थे सबसे पहले उस काम को करना है। करना क्या है? जिया का जो है एडमिट कार्ड आ गया है एग्जाम का, जिया का एग्जाम का डेट भी आ चुका है तो जिया एडमिट कार्ड आज लेगी और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वहाँ से सीधे घर और बीच में जो है कुछ मंदिर भी है तो वहाँ भी दर्शन कर लेंगे फिर उसके बाद चलेंगे। और आज पहली बार ऐसा हुआ है लगता है शादी के 3 साल में कि जिया पहले से तैयार होकर के बैठी हुई है और हम तैयार नहीं है अभी, है ना? आप जल्दी से जाके नहा लीजिए। तो जाते हैं जी जल्दी से नहा लेते हैं और नहेंगे भी कैसे, दोनों बाथरूम भी है, ये भी बाथरूम भी अच्छा खाली हो गया वो। वाह 20 मिनट्स लेटर तो जी हम भी नहा करके हो गए हैं तैयार और अब जो है निकलने की कर रहे हैं तैयारी। सबको है तैयार? कौन कौन बचा है अभी? और यहाँ पर हमारा क्रियांश जो है सबसे पहले तैयार हो गया था, है ना? सबसे पहले तैयार हो गया था, सभी का इंतजार कर रहा है। हाँ और यहाँ जो अब इंतजार कर रहा है कब यहाँ से जो है निकले, थोड़ा गाड़ी पर घूमी घूमी करेंगे, है ना? घूमी घूमी करेगा, मुस्की मार रहा है, मुस्की मुस्की मुस्की। 1 hour later सभी यहाँ आए हुए थे जी शिव मंदिर, शिव मंदिर में तो हो गई पूजा और सभी लोग के आने का इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग जब आएंगे तब निकलते हैं। पहुँच गए जी घर, हमारा तो खाना हो गया, बस अब जिया की खाने की बारी है तो जिया जल्दी से खा लो फिर निकलना है कॉलेज की तरफ। ज्यादा देर वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, कॉलेज का सारा काम सब हो गया ना, थोड़ा सा बचा। जिया को लेना था अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट तो वहाँ तो ले चुकी है और साथ में तो फाइल सब रखने के लिए तो फोल्डर चाहिए था तो फोल्डर सब भी आ गया है और बाकी इसको एग्जाम का भी कुछ चाहिए था गेस्ट पेपर सब तो वहाँ भी ले ली है। देखते हैं जिया जो है लास्ट टाइम स्टडी करेगी क्या नतीजा रहता है। तो यहाँ पर जी सभी लोग तैयार हैं और बारी है विदा होने की। अच्छा नानी की तरफ से कुछ मिल गया उपहार? नहीं अभी लो, अपना नहीं लेना, अभी ये लेना नहीं चाह रहा है, नींद में। अच्छा पकड़ लिया अपना पैसा है, कितना भी जगह है पैसा पकड़ रहा है वैसे अभी ये सोया हुआ है तो सोया हुआ ही अच्छा रहेगा, ये सोए सोए आराम से पहुँच जाएगा वहाँ पर। याद से अब थोड़ा सा खुला थर्मस ले ली छोटे दूध का ले ली वो डब्बा। हाँ खोल लो बाबू एक बार, कर दो बेटा। तो सभी लोग जी गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं जिया के कॉलेज। 1 hour later तो मम्मी जी भी यहीं पर उतर रही है, मम्मी जी यहाँ से ऑटो पकड़ के चली जाएंगी, हम लोग इधर से जाएंगे कॉलेज और हमारा दिन बन चुका है आने का तो जल्दी हम लोग आएंगे। तो बैठ गई है ऑटो पर जिया की मम्मी और हम लोग यहाँ से चलते हैं कॉलेज, जल्दी से वो काम कर लेते हैं क्योंकि कुछ देर बाद लंच आवर शुरू हो जाएगा, फिर 1 घंटा बैठना पड़ेगा वहाँ। नहीं बैठना पड़ेगा, चलिए जल्दी चलो।